हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो ये धारणा कि आईवीएफ प्रेगनेंसी अगर हुई है तो उसमें हम अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा सकते, माँ का दूध उसमें आता ही नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, इसमें दो या तीन तरह के चीजें हो सकती हैं। पहला कि बेबी डिलीवरी होते ही माँ का मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, उसे दूध आना माँ को शुरू हो जाता है। दूसरा क्या है, दूसरा जब तक बेबी खुद आके मदर का मिल्क नहीं पीता, मदर को लैचिंग नहीं करता है, तब तक दूध नहीं आता है। और तीसरा क्या होता है कि बेबी को कई बार कमजोरी की वजह से या और वजह से नर्सरी में एनआईसीयू में भर्ती करवा दिया जाता है, जिसकी वजह से माँ अपने बच्चे को कई दिन तक दूध नहीं पिला पाती है और फिर उसका दूध आता ही नहीं है, तो ये हो जाता है। लेकिन हर कंडीशन में, चाहे कोई सी भी प्रेगनेंसी हो, आईवीएफ हो, नॉर्मल हो, आईयूआई हो, ब्रेस्ट में मिल्क जरूर बनता है। अब मेरी जर्नी कैसी रही थी ब्रेस्ट फीडिंग की, मेरे केस में क्या हुआ था, जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो सेम डे एक तो मेरा सी सेक्शन हुआ था, सुबह मेरी सर्जरी हुई, सुबह मेरा सी सेक्शन हुआ था। उसके बाद डॉक्टर ने फिर भी एक से दो बार बच्चों को मेरे पास लेके आए थे, लैचिंग करवाई, लेकिन पहले दिन मेरा मिल्क नहीं आया था। फिर डॉक्टर ने मुझे ज़्यादा परेशान भी नहीं किया क्योंकि मेरा बीपी हाई बहुत ज़्यादा हो रखा था, तो फिर उन्होंने मेरे बच्चों को ऊपर का फॉर्मूला मिल्क ही दिया था। उसके बाद सेकेंड डे फिर बच्चों को मेरे पास लाया गया और मुझे दूध पिलाने के लिए बोला गया, लेकिन फिर मेरा मिल्क नहीं आया। तो डॉक्टर ने मेरी ब्रेस्ट को बहुत अच्छे से जोर जोर से दबा के प्रेस किया कि इसे टाइट प्रेस करो, ये गाढ़ा मिल्क जो है ये बच्चों के मुंह में जाना बहुत जरूरी है, इसकी जरूरत अभी सबसे ज्यादा है। पहला जो दूध है पैदा होते ही गाढ़ा सा दूध आता है, ग्रीन ग्रीन येलो येलो से कलर का, वो बच्चों को मिलना बहुत जरूरी है। तो मुझे बल्कि पेन हो रहा था जब डॉक्टर मेरी ब्रेस्ट को प्रेस कर रही थी बहुत तेज तेज, पर वो ये कह रही थी कि ये बहुत जरूरी है अभी मिल्क का निकलना, अगर अभी नहीं निकला तो बाद में ही आप फीड नहीं करवा पाओगे। तो उसके बाद खूब तेज तेज जब डॉक्टर ने मेरी ब्रेस्ट को प्रेस किया, फिर मेरे बच्चों को लैचिंग के लिए लगाया गया, उसके बाद फिर मिल्क आना मेरा शुरू हो गया था। तो दूसरे दिन डिलीवरी के भी दूसरे दिन जाके मेरा ब्रेस्ट मिल्क आना शुरू हुआ था। जब शुरू शुरू में हम अपने बच्चों को दूध पिलाना शुरू करते हैं तो हमारी ब्रेस्ट में बहुत पेन होता है, तो उसके लिए या तो आप घर का देसी घी, मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि देसी घी लगा लिया कर, नहीं तो देसी घी नहीं लगाना, या देसी घी से अगर आराम नहीं पड़ता तो मेरी डॉक्टर ने मुझे एक ट्यूब लिख के दे दी, लेकिन मैंने नहीं ली, मैं घी इस्तेमाल कर रही थी। अगर आपको लगे, और लगे क्या, शुरू में पेन होता ही है ब्रेस्ट में, तो आप डॉक्टर से कोई ऐसी ट्यूब लिखवा लें जो आप फीडिंग के बाद, अपने बच्चों को फीड करवाने के बाद उसे ट्यूब को थोड़ा सा यूज कर लें, और जब अगली बार फीड करवाएं तो पहले अपनी ब्रेस्ट को कॉटन, गीली कॉटन से साफ कर लें, या उसे वॉश करने के बाद ही अपने बच्चे को फीड करवाएं। ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी में मेरा एक बेबी थोड़ा सा वीक हुआ था और डॉक्टर ने कहा कि इसे तो पूरा 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीडिंग पे ही रखना है, इसे हम ऊपर का दूध नहीं दे सकते। तो मैंने अपने एक बेबी को पूरा अपना ब्रेस्ट फीड दिया है, दूसरे बेबी को भी मैं बीच बीच में जब उसका पेट नहीं भरता अपना भी देती थी और फॉर्मूला मिल्क भी देती थी। तो दूध मेरा आना सेकेंड डे से स्टार्ट हो गया था, लेकिन क्योंकि मेरे डॉक्टर को पता था कि वो ट्विंस बेबी हैं और ट्विंस बेबी के लिए मिल्क की सप्लाई भी अच्छी होनी बहुत जरूरी है, तो उन्होंने मुझे पहले से ही एक ऐसा प्रोडक्ट लिख के दिया था मार्केट से मंगवाने के लिए, दूध में मिला के पीना था वो मुझे, जिससे मिल्क की मेरी सप्लाई अच्छी आएगी, मैं अपने दोनों बेबी को अच्छे से फीड करवा सकूं। उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ आगे, लेकिन उसमें उसके साथ साथ उन्होंने मुझे क्या डाइट लिख के दी थी वो बताती हूँ। उसमें था, उन्होंने कहा था जीरा पानी पीना है, जीरा नहीं है घर में तो अजवाइन का पी लो, सौंफ का पी लो, लेकिन जीरा का ज्यादा बेस्ट बताया गया है, जीरे का पानी पियो, और कहा था दही खाओ, जो मतलब अच्छी डाइट बताते हैं उन्होंने, नॉन वेज भी बोला था, फिश खाओ, कर्ड खाओ, बीन्स खाओ, पनीर खाना है, ये सब चीजें उन्होंने मुझे बताई थी। लेकिन चूंकि मेरा सी सेक्शन हुआ था इसलिए मैंने 1 महीने तक ऐसी कोई चीज नहीं खाई थी। टांके कटने के बाद मुझे मेरे घर में पंजीरी बना के दी गई, पंजीरी कोई सांधा कोई कुछ बोलता है, जो सारे ड्राई फ्रूट्स को मिला के घी में पीस के, अजवाइन उसमें बेसन वेसन मिला के बनाते हैं, सबके घरों में अलग अलग तरीके से बनता है, वो भी मुझे थोड़ा थोड़ा टांके मेरे कटने के बाद, क्योंकि घी खाने से ना टांके पकने का डर रहता है, तो जब तक मेरे टांके नहीं कटे थे मैंने बहुत हल्की खिचड़ी दलिया ऐसी डाइट में लेती थी, पानी वानी ज्यादा पीती थी जीरे का, तो ये मैं लिया करती थी।
अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि अच्छी डाइट भी आप ले रहे हैं, फिर भी अगर मिल्क नहीं आ रहा है, तो तब मुझे डॉक्टर ने बताया कि आपको ये लेना है ग्लेक्ट। ग्लेक्ट लेने की भी कंडीशन बताई थी कि उसमें तो लिखा हुआ है कि 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को दूध के साथ लेना है, लेकिन मैं लेती थी 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को दूध के साथ। उसमें ही मेरा इतना अच्छा मिल्क सप्लाई आता था कि मैं अपने दोनों बच्चों को फीड करवा दिया करती थी अच्छे से। अब आप ये देख लें कि अगर ज्यादा मिल्क की सप्लाई आ रही है और हम अपने बच्चे को वो दूध पूरा नहीं पिला पा रहे हैं और मिल्क हमारा रह जाता है, तो वो मिल्क उससे गांठ बन जाती है और ब्रेस्ट में पेन शुरू हो जाता है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार लें, अगर बच्चा वो दूध पूरा पी पा रहा है तो ही 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को ले, अदरवाइज मैं तो कह रही हूँ दूध में 1 चम्मच सुबह मिला के पी लें काफी है। और इसके साथ अगर हम जितना अच्छा दूध पिएंगे तभी हम अपने बच्चे को दूध पिला पाएंगे, ये मिथ नहीं है, ये सच बात है। हम बच्चे को दूध पिलाने के लिए हमें खुद भी दूध पीना पड़ेगा, कम से कम 1 से 1.5 लीटर दूध रोज पीना है, अपनी डाइट में शामिल करनी है। जब हम खुद पिएंगे तभी तो हम बच्चे को पिला पाएंगे, नहीं तो बच्चा हमारी बॉडी से ना तो कैल्शियम ले लेगा और जो हम खाएंगे पिएंगे दूध की पूर्ति भी नहीं होगी, तो बच्चे को कहाँ कहाँ से जा पाएगी, है ना। तो जरूरी है कि पहले खुद अच्छा खाएं, अच्छा दूध लें, 1 से 1.5 लीटर दूध लेना ही लेना है, 3 टाइम लें, शुरू के 6 महीने में 3 टाइम दूध लें। वो आप देख लें कि 1 लीटर दूध आप 2 टाइम पी सकते हैं, नहीं पी सकते तो 3 टाइम में पी लो, लेकिन पीना जरूर है, तभी मिल्क का सप्लाई अच्छी आएगी और तभी हम अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड अच्छे से करवा सकते हैं। तो मैंने जो ये ग्लेक्ट है प्रोडक्ट, मैंने ये 6 महीने तक यूज किया था, 6 महीने तक भी ऐसे यूज किया था कि 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को लेती थी, जो दिन वाला मैं दूध लिया करती थी उसमें मैं नहीं डालती थी। और जैसे मेरा एक डब्बा फिनिश हो गया तो ऐसा नहीं है कि मैंने तुरंत मंगवा लिया, 2 दिन 3 दिन 4 दिन कई बार स्किप हो जाता था, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मिल्क आना कम हो जाता। उस ये हर्बल होता है, इसमें शतावरी होती है, सफेद जीरा होता है, तो इसका असर वैसे भी हमारी बॉडी में होता ही है, तो साथ में अच्छी डाइट भी रखनी जरूरी है और 6 महीने तक इसका सेवन करते रहें अगर दूध की सप्लाई कम है तो। अगर होम रेमेडीज के लिए आपके पास टाइम नहीं है कि भैया जीरा उबाल लो, ये डाइट खा लो, वो डाइट खा लो, तो आप इसे ले लो, इसे मंगा के रख लो, अपना इसे अपनी दूध में शामिल करो, देखो आपका मिल्क की जो सप्लाई है वो बहुत अच्छी आएगी और आपके बेबी बिल्कुल भूखा नहीं रहेगा। तो ये थी मेरी आज की ब्रेस्ट फीड की स्टोरी कि मैंने अपने कैसे ट्विंस बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवाई है, और मेरा तो बल्कि बेटा अब 2 साल का हो गया है लेकिन फिर भी वो मेरा ही अभी दूध पी के सोता है। तो ऐसा नहीं है कि IVF प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा सकते, करवा सकते हैं, बहुत अच्छे से करवा सकते हैं, ठीक है। तो जिनको भी मिल्क की सप्लाई कम आए वो इसे ले सकते हैं और अपनी डाइट में से शामिल जरूर करें। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करके जाएं, लाइक करने में प्लीज कंजूसी ना करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, नमस्ते।